नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अगर पेशेंट का सैचुरेशन 90 या 90 बिलो जा रहा है तो अब क्या करें। और अगर आप ट्राई करते हैं जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी जगह पे, तो बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। आप बोलोगे कोई 10 बेड का था, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, कहीं पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या करें उस कंडीशन में पेशेंट की, जब सैचुरेशन फुल हो रहा है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करें सीवियर केसेस में, और ये सीवियर कैसे होता है। पेशेंट पैरासीटामोल खा रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाह रहा है और डॉक्टर मिल भी नहीं रहे, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मैंने निकाला है ऑनलाइन कंसल्टेशन का, तो आप कॉन्टेक्ट करें। अब पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं, अगर सैचुरेशन बिलो 90 है SpO2 तो एडमिशन रिक्वायर्ड है। पर अब ऐसा कंडीशन है, एडमिशन कैसे करें, बेड्स फुल है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो उस केस में क्या है, आपको पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखना है, उल्टी पोजीशन में, वो लेट के मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो सांस लेता रहे, तकिया यहां रखे, एक बीच में रखे और पेट के बीच में जगह छोड़ दें, उसमें सैचुरेशन बढ़ता है। एक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजर आता है, एक्सरसाइजर, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर, तो अमेजन से जाके बुक करें और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब क्या करना है। आपको नेबुलाइजेशन भी हम एडवाइस करते हैं, पर अगर इन्फेक्शन नया है और हम नेबुलाइजेशन एडवाइस कर देते हैं तो वो सबको और इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर आप अकेले आइसोलेटेड हैं तो नेबुलाइजेशन इज रिकमेंडेड, ठीक है। अब इसमें क्या है ट्रीटमेंट, देखो इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपका SpO2 90 बिलो है तो ये मान के चलो HRCT में COVID-19 न्यूमोनाइटिस तो है आपको, मतलब लंग्स इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो उस केस में आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले, एक सीवियर और एग्रेसिव ट्रीटमेंट का आपको रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें हाई एंटीबायोटिक्स चलेंगी, IV ओरल का अब काम नहीं रहेगा इस चीज में, हाई एंटीबायोटिक्स चलेंगी IV, हाई डोज स्टीरोइड्स चलेंगे वो भी IV, और अगर आप सोचते हैं रेमडेसिविर का अब रोल है तो रेमडेसिविर का देखो मैं आपको बताता हूँ रोल होता है, कई बार कोविड इन्फेक्शन से 10 दिन के अंदर अंदर, अगर 10 दिन से ज्यादा हो गया है और इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, SpO2 डाउन हो रहा है, तो फिर इसका कोई रोल नहीं है, रेमडेसिविर का इतना कोई खास मोर्टिलिटी डाउन नहीं करेगा, तो फिर हाई डोज स्टीरोइड्स। अब ये डिपेंड करेगा कि आप डायबिटिक है तो आपका ग्लाइसेमिक भी कंट्रोल रहे, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहना चाहिए, आपको कोई और डिजीज तो नहीं है, कोई और ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई CVA तो नहीं है, तो वो सारी हिस्ट्री के बाद ही पता चलेगा, आप अस्थमेटिक तो नहीं है, आप एनीमिक तो नहीं है, तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज। और अभी ज्यादातर जो भी हो रहा है वो कोरोना के कारण ही हो रहा है, तो अगर आपका भी लगता है कि आपका SpO2 90, 91, 92 चल रहा है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और चांस नहीं लें, क्योंकि इसमें 12 घंटे के अंदर अंदर लंग डैमेज हो जाता है। जैसे अभी स्कोर दिखाएगा 4, आप 12 घंटे बाद या 2 दिन बाद करके देखेंगे तो स्कोर दिखाता है 22 और सीवियर डैमेज टुवर्ड्स द लंग। तो इसको मजाक मत समझें, जो भी डॉक्टर मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ लें कि पेशेंट के लिए ये सेकंड स्ट्रेन है, ये फर्स्ट स्ट्रेन नहीं है, ये सेकंड और थर्ड स्ट्रेन है और सेकंड वेव है, तो ये मोर डेंजरस है जो पहले आया था, ठीक है। इसमें कई पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, हमारे मरीज को तो हम सुबह लाए थे हॉस्पिटल में, स्कोर था 2 और अब कल सुबह तक तो हो गया 24, तो क्या हुआ, तो उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन है ये स्ट्रेन में म्यूटेशन है, तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट किया जाए, सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जाए। बहुत सी थ्योरीज आ रही है, एम्स अलग बोल रहा है, CMC अलग बोल रहा है, वेलोर, तो हरेक का स्टडीज है, तो अपडेटेड रहें और अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी है तो तुरंत कांटेक्ट करें, इसको मजाक नहीं समझें वरना आप किसी को खो सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।